हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेंडे ब्लॉक के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पेंडे ब्लॉक को रॉन एज एडमिनिस्ट्रेटर में ऑन करेंगे। ऑन होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फोर ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लॉक, ऐड पासवर्ड, स्टेटस चेक एंड क्लोज। सबसे पहले हम स्टेटस चेक में समझते हैं क्या है। स्टेटस चेक क्या है, मतलब आपको बताया गया कि कौन सा ऑप्शन में आपका पेंडे ब्लॉक दिया गया है, मतलब सी ओनली में है या ब्लॉक में है या फुल एक्सेस पेंडे में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं, ऐड पासवर्ड। यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर देते हैं, हमारा जो करंट पासवर्ड था पहले हम डाल देते हैं, न्यू पासवर्ड डालते हैं। देखिए पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद ओके। देखिए अभी पासवर्ड चेंज हो गया, ठीक है ना। तो हम अभी क्या करते हैं, पेंडेप को लगा लेते हैं, ठीक है ना। देखिए हम पेंडेप अभी लगाए, पेंडेप आया ना, अभी पेंडेप का सिग्नल भी आ गया है। तो हम पेंडेप को भी ऑन कर देते हैं। पेंडेप का ड्राइव कहाँ है, ये वाला है, ठीक है ना। पेंडेप भी ऑन कर लिया। इसमें हम अभी टैग करते हैं डाटा कॉपी करने के लिए, ठीक है ना। डाटा को हम कॉपी कर देते हैं। अभी डाटा कॉपी होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट में ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी हम डाटा को कॉपी कर लेते हैं, टैग कर देते हैं। देखिए अभी डाटा कॉपी हुआ, हुआ ना, दो डाटा आ गया। तो अभी इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, डिलीट कर दिया। अभी हम आते हैं सी ओनली पे। सी ओनली क्या करेगा, ओनली आप देख पाओगे डाटा को और कुछ नहीं कर पाओगे, आपका सिस्टम में कोई भी डाटा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, सी ओनली कर लिया, उसके बाद लॉक, उसके बाद यस, उसके बाद आप जो पासवर्ड डाले थे वही पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद ओके। देखिए अभी पासवर्ड लग गया है, ठीक है ना। उसके बाद मैं पेंडेप को डिसकनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी फिर कनेक्ट कर दिया पेंडेप। अभी देखते हैं डाटा कॉपी होता है कि नहीं। अभी हमारे कंप्यूटर में डाटा कॉपी करके अभी पेंडेम में डाल रहे हैं, क्या होता है देखते हैं। अभी देखिए ऑप्शन आ गया, मतलब डी सी राइट प्रोटेक्टेड, मतलब आपका कोई भी डाटा कॉपी नहीं कर सकता है। अगर आपका कंप्यूटर में कोई भी पर्सनल डाटा हो या आपका कोई भी हो ना, कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ आपका देख सकता है। पेंडेम में जो भी डाटा है वो देख सकता है, आपका कंप्यूटर में जो भी डाटा है वो देख सकता है, बस आपका पेंडेप से या आपका कंप्यूटर से कुछ भी डाटा आपको कॉपी करके नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, ब्लॉक। ब्लॉक ऑप्शन क्या है, ब्लॉक ऑप्शन मतलब आप कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाओगे कि देख भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। ये दोनों को मिला के ब्लॉक ऑप्शन हो गया। तो चलिए देखते हैं, लॉक, उसके बाद अप्लाई, उसके बाद पासवर्ड मांगे, उसके बाद जो पासवर्ड डाले थे वही पासवर्ड हमको देना है। पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद ओके, ठीक है ना। अभी फिर पेंडे को मैं डिसकनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए अभी कनेक्ट कर दिया, लेकिन पेंडे का ड्राइव शो नहीं किया। शो किया, अभी पेंडे भी लगा लिया। देखिए जितने बार भी पेंडे लगा रहा हूँ, अभी पेंडे का ड्राइव ही शो नहीं कर रहा, देख लीजिए शो कर रहा है, आप देख लीजिए शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पेंडे ब्लॉक है। आप जो भी पेंडे लगाएगा, किसी भी पेंडेप का ड्राइव शो नहीं करेगा, चाहे चिप्स हो, पेंडेप हो या आपका एक्सटर्नल ड्राइव हो, कोई भी शो नहीं करेगा इसमें सर, ठीक है ना। आपका डाटा भी लॉस नहीं होगा और वायरस से भी आपका प्रोटेक्शन रहेगा, कोई भी वायरस आपका सिस्टम में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आते हैं फुल एक्सेस पेंडेप। फुल एक्सेस पेंडेप को क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट पे आते हैं, उसके बाद हम लॉक, उसके बाद अप्लाई, उसके बाद हम जो पासवर्ड डाले थे वही पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद ओके, ठीक है ना। पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद ओके, उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ पेन ड्राइव को। अभी लाया, देखिए अभी आ गया पेन ड्राइव का ड्राइव, ठीक है ना, पेन ड्राइव का ड्राइव आ गया। अभी हम कॉपी करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। देखिए अभी कॉपी हो गया आपका, हुआ ना।
तो यह सॉफ्टवेयर पावरफुल सॉफ्टवेयर है, अगर किसी को चाहिए तो आप विजिट कर लीजिए PCG.in में, वहाँ से बाय कर लीजिए। और यह सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है जो कि आपका ऑल इंडिया में चल रहा है, जो कि आपका वायरस प्रोटेक्शन से हेल्प करेगा। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग MMVD।